भोपाल में एक बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश शेखर लोधी ने जब पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें एक गोली बदमाश शेखर लोधी के पैर में लगी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कलियासोत इलाके में पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी बदमाश शेखर लोधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। लोधी के खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं। आईजी भोपाल उपेंद्र जैन के मुताबिक पुलिस को पता चला था कि शेखर लोधी उस इलाके में है। जब वे उसे पकड़ने पहुंचे तो लोधी भागने लगा और उसने पुलिस पर फायरिंग की। इस दौरान जवाबी फायरिंग के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। शेखर लोधी के पैर में पुलिस की गोली लगी है। इलाज के लिए उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक शेखर लोधी भोपाल के छोला इलाके का कुख्यात बदमाश है। पुलिस को हत्या के एक केस में उसकी तलाश थी। जानकारी मिलने पर पुलिस रातीबड़ इलाके में संस्कार वैली के पास उसे पकड़ने पहुंची। इस दौरान लोधी पुलिस पर पिस्टल से गोलियां चलाने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और उसके पैर में गोली मारी, जिसके बाद वे गिर गया और उसे दबोच लिया गया। रातीबर टीआई सुदेश तिवारी ने पुलिस जवान आलोक तिवारी युवराज सिंह के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये जो अपराधी शेखर लोधी है, ये थाना छोला के एक टीचर को के मर्डर के अपराध में फरार है और इसके अलावा इसके ऊपर लगभग टोटल 18 अलग अलग अपराध थाना निशानपुर और थाना छोला में पंजीबद्ध हैं। रातीबर पुलिस को सूचना मिली थी कि लगभग 6:30-7:30 के बीच में इसका कहीं प्लान है मंडीदीप से सीहोर की तरफ जाने का, और इसी बीच जो दादर लेक सिटी यूनिवर्सिटी के पास ब्रिज है वहाँ पर पुलिस ने पॉइंट लगाया था चेक करने के लिए, और वहाँ से ये गुजरा तो इसको इंटरसेप्ट किया था। ये रुका नहीं, ये लगातार आगे बढ़ने लगा। पुलिस ने आगे जाकर संस्कार वैली स्कूल के पास इसको घेरा। घेरते समय इसने फिर ये गाड़ी से उतरा और थोड़ा ऊपर जाकर इसने पुलिस जो संस्कार वैली का पिलर है वहाँ पर उसकी आड़ लेकर पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायर किया और उसमें इसको चोट आई है, पैर में गोली लगी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।